Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar, ये problem vector analysis की है. ये यहाँ पर scalar triple product दे रखा है, A cross B, C cross D, E cross F is equal to scalar triple product A B D. And second scalar triple product is C E F minus scalar triple product A B C, and again dusra scalar triple product is D E F. ये हमें prove करना है, left hand side लेके right hand side को prove करना है. तो सबसे पहले हम left hand side देख रहे हैं. Left hand side है A cross B, C cross D, E cross F. यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम ऐसे ही है जैसे कि A B C तीन वेक्टर हों और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका मीन ये होता है. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी B क्रॉस C. ये फार्मूले के तौर पर हम यूज़ करेंगे. तो ऐसा ही यहाँ पर A की जगह पर A क्रॉस B है, B की जगह पर C क्रॉस D है और C की जगह पर E क्रॉस F है. तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, अगेन एक वेक्टर होता है, इसे एक वेक्टर माने, इसे दूसरा और इसको तीसरा वेक्टर माने और इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी. इसको हम बाहर रखते हैं यानी A क्रॉस B पहला वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यानी C क्रॉस D का डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा E क्रॉस F के साथ में. इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहेंगे क्योंकि जैसा प्रूव करना है उसमें ये C और D जैसे अभी अप्लाई करेंगे तो बाद में पता चल जाएगा इसको हमने ऐसा क्यों किया. और इसमें इस फार्मूले को लगाएंगे कि A क्रॉस B जो होता है वो माइनस का B क्रॉस A के इक्वल होता है क्योंकि ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है. तो ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इनको आपस में इंटरचेंज करें तो माइनस साइन आ जाएगा. उस माइनस साइन को हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे. तो ये A क्रॉस B डॉट इस वेक्टर को पहले लिख रहे हैं E क्रॉस F, पूरा ब्रैकेट में एक वेक्टर आ गया, ये क्रॉस इसको बाद में लिख देंगे, C क्रॉस D एक दूसरा वेक्टर है. अब इस वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो E क्रॉस F वेक्टर है उसकी जगह पर हम M रख देते हैं, माइनस A क्रॉस B डॉट ये वैल्यू m हो जाएगी. ये डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता है वेक्टर्स के लिए, m क्रॉस c क्रॉस d. यहाँ पर ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिसकी डेफिनेशन हम लिख के फिर इसमें अप्लाई करेंगे. डेफिनेशन मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है a क्रॉस b क्रॉस c अगर हो तो उसमें देख रहे हैं जो ब्रैकेट के बाहर ए है वो अब हमेशा ब्रैकेट में रहेगा ए डॉट. तो जो इधर इस ए से पहले ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, पहली बार नज़र आ रहा है पहले प्लेस पर, वो पहले ब्रैकेट से बाहर आएगा और ए का ये बाद वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर वही ऑर्डर रहेगा ए बी सी यानी ए डॉट ए जो कि ब्रैकेट के बाहर है अब ब्रैकेट के अंदर ही रहना है इसको, ए डॉट फिर बी आएगा और सी बाहर हो जाएगा. जो बाद में पड़ेगा उसे बाद में लिखेंगे, जो पहले ब्रैकेट में मिलेगा उसे पहले फिर बाद में इसे बाहर रखना है. तो इस फार्मूले को जैसे भी याद करें आप, इसको अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर. शुरुआत वाला तो ऐसे लिख देंगे और इसमें हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो अभी दिखाया था फार्मूला उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो ये वैल्यू है माइनस ए क्रॉस बी तो चल ही रहा है डॉट एम ब्रैकेट में रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला और डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा इसमें डी के साथ और सी यहाँ पर बाहर, माइनस
फिर एम डॉट बाद में ऑर्डर वही होगा यानी सी, और फिर डी को लिख देंगे यहाँ पर बाहर। अब डॉट प्रोडक्ट होना है, ये एक वेक्टर है क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो इस वेक्टर का बाकी इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसे तो हम बाहर लिख देंगे। जब इसका इसमें इंटू होगा तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में होगा और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ में होगा। ये स्केलर है, इनको हम पहले ही लिख देंगे। और ये माइनस भी है हमारा, तो इसको हम पहले लिख देंगे। सिंपल इसे नंबर समझे, जैसे 5, 3, 2 होता है कॉन्स्टेंट नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उन जैसा इसको कंसीडर करें और इसको बाहर लिख दें। तो कोई वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ डिफाइन है, तो इस वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी के साथ। वो अलग बात है, ये जो है वो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल के बना है। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा। और ए इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी एम डॉट सी जो कि हमने पहले बताया एक नंबर जैसा समझे, 5, 3, 2 जैसा भी है, 2 है जैसे, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। और वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होगा, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ में हो जाएगा। और ये तीनों मिलके यानी क्रॉस हो डॉट हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, तो इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख देंगे इसको। और यहाँ पर एम की वैल्यू भी डाल दे रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट के एम की वैल्यू जो हमने अपनी तरफ से मानी थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ई क्रॉस एफ थी वो वैल्यू और डॉट डॉट डी, और इसको हमने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इसी ऑर्डर में रहना चाहिए कि ए बी सी, एक बी सी, फिर प्लस का साइन है। इसे यहाँ पर अगेन एम की वैल्यू जो अपनी तरफ से मानी थी वो रख दें, ई क्रॉस एफ है और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी के साथ है, वो हमने कर दिया ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और डी के साथ हो गया। यहाँ पर देखने दोबारा से हमारे पास दो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ और एक डॉट है, तो इसको भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे, यानी ई एफ डी, इनके बीच में कोई कॉमा और डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी प्लस ऐसे यहाँ पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ई एफ सी, और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी और डी, ये प्लस है, इसको पहले लिख देते हैं। तो ये वैल्यू पहले जब लिखेंगे, सॉरी यस, इस प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे तो ई एफ सी एक स्केलर नंबर मिलेगा, ये ए बी डी ये भी स्केलर नंबर है, दोनों स्केलर स्केल का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इस प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ई एफ डी ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी हमें स्केलर कोई नंबर मिलेगा ए बी सी। अब जैसा कि प्रूव करना है उस तरीके से लिख लें, अब कुछ करना तो नहीं है इसमें, ये वाला पहले लिखा हुआ जो प्रूव करना है। तो ये चूँकि स्केलर नंबर है तो आपस में इंटरचेंज करते हैं, रियल नंबर है आपस में स्केलर ट्रिपल सॉरी कम्यूटेटिव ब्लॉक को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी ए बी डी को पहले लिख दें जैसे प्रूव करना, और इसको बाद में लिख दें ई एफ और सी। इसी तरीके ए बी सी को पहले लिख दें, ए बी सी और ई एफ डी को बाद में लिख दें। अब इसके बाद में हम जब इसको लिख लिया ए बी डी को, तो अगला जो प्रूव करना उसमें ये सी पहले लिखा हुआ है शुरू में, तो सी सी लिखने के बाद फिर हम साइकिल यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब जैसे कि ई है, फिर हमारा एफ था ई एफ सी, तो ई एफ सी, तो हम अगर सी लिखें तो सी के बाद होना चाहिए
ई होना चाहिए और फिर उसके बाद एफ होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो सी ई एफ, और जो प्रूव करना वो भी यही आ रहा है। ए बी सी, इसको भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डी पहले आ रहा, तो डी लिखेंगे तो लेकिन डी के बाद आ जाना चाहिए ई, तो डी और फिर ई फिर एफ, तो इस ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसका लिए दिखाया ऐसे आप इसके लिए भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।